Good evening everybody, welcome to my channel the invisible trader. और आज हम देखेंगे कल का व्यू 4 मार्च का. 3 मार्च के लिए हमने जो व्यू दिया था एक बार क्विकली रिव्यू करेंगे. आज से फटाफट प्रीवियस डे का रिव्यू कर लेंगे. तो हमने बैंक निफ्टी में जो बोला था, हमारी व्यू एक बियरिश से कंसोलिडेशन मोड की थी और मार्केट यहाँ तक 12 बजे तक हमारे व्यू के हिसाब से था. वैसे सबको पता है कि हमारी जो व्यू रहती है वो 11 साढ़े 11 बजे तक स्ट्रांग रहती है. उसके बाद डेटा चेंज हो जाते हैं तो व्यू का इतना इफेक्ट नहीं रहता है. बट अगर किसी को याद होगा कल व्यू में मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी की बात करेंगे. बैंक निफ्टी 29,200 के आसपास हमारी एक सेलिंग थी कॉन्फिडेंट वाली. ये सिनेरियो 3 था. अगर ओपन होके ऊपर जाता है, ये R1 के आसपास था शायद, तो यहाँ पे आपकी सेलिंग बनती थी. आज तो हमने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं किया, मैंने नहीं किया, बट लोगों को यहाँ पे सेल ले लेनी चाहिए थी. ठीक है, 29,200, ये 232 है ना, यहाँ पे ले लेनी चाहिए थी 200 के आसपास, 212. और ये पिवट के आसपास ही था. अगर आप देखोगे ये लेवल पिवट के पास था और ये सेंट्रल पिवट के पास था, तो आप यहाँ से भी सेल ले सकते हो, यहाँ से भी सेल ले सकते थे. दोनों सेल मैंने दिया था कल वीडियो में, आप एक बार चेक कर लेना. यहाँ से लेते तो लंबा यहाँ तक. और हमने ये भी बोला था कि पहले हम लोग 700 का लेवल देखेंगे. ये 778 तक आया था और उसके बाद 500 का लेवल हम गेस कर रहे थे शायद आ जाएगा, नहीं आया. बट इट्स ओके, 500 पॉइंट इज़ नॉट ए स्मॉल वन. यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट अगर यहाँ से भी आप करते तो स्टिल इट इज़ अराउंड 350 पॉइंट्स. ठीक है, बैंक निफ्टी में ये एक ट्रेड आपकी कॉन्फिडेंट आज होती थी और एक ट्रेड बहुत है. उसके बाद तो हमने लाइव ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया, बट ये जो व्यू है कंसोलिडेशन की एक व्यू तो थी, बियरिश टू कंसोलिडेशन. तो अगर देखोगे ये आज की क्लोजिंग जो है ये भी 177 पे हुई है. 29,200 की जो लेवल थी इसने इसको क्रॉस नहीं किया आइडियली आज भी, है ना. तो बट निफ्टी का भी वही है, जो अगर आप लेवल देखोगे निफ्टी में जो लेवल दिया था उसी लेवल के हिसाब से इसने काम किया था. आप एक बार मैच कर लेना क्या लेवल मैंने दिया था. तो एक या दो आपकी कॉन्फिडेंट ट्रेड आज बनती थी. अब जिसने लिया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी कॉन्फिडेंट ट्रेड्स थी, राइट. हमें पता है कि अगले दिन हमें ये ट्रेड लेना है और इसी लेवल पर ट्रेड लेना है. तो मैंने वीडियो में डाला भी था कि लेवल पे ही सेल करो, सेल ऑन राइज मार्केट में. ठीक है, लेवल पे करते तो आप पैसा कमा लेते. आज क्या हुआ है, हमारी जो व्यू थी बियरिश की कल, आज वो थोड़ा कमज़ोर है. मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इसका कोई गारंटी नहीं है कि बेसिकली ये कल मार्केट नीचे जाएगा. बट इसकी जो क्लोजिंग हुई है, मैंने बोला था प्राइस एक्शन में डे की क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग के हिसाब से इसने एक सिमेट्रिक पैटर्न बनाया है. इसने क्या किया है, एक ऐसा लेवल बनाया है जिसमें R1 ऊपर से नीचे आ गया है और S1 नीचे से ऊपर चला गया है. ठीक है ना, दैट मीन्स इट हैज कंसोलिडेटेड प्रिटी वेल टुडे. और ये जिस तरह की कंसोलिडेशन होती है, जैसे अभी डाउन ट्रेंड है, राइट. डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन पे ये नीचे भी जा सकता है. जैसे अप ट्रेंड में अगर कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट मोस्टली ऊपर जाएगा. डाउन ट्रेंड में अगर कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट नीचे जा सकता है. बट इसका जो कल जो व्यू है वो व्यू इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, नहीं बोल सकते. ठीक है, तो हम किस पे डिपेंडेंट होंगे, हम डेफिनेटली लेवल पे डिपेंडेंट होंगे. और हमारी जो लेवल बनती है, अगर इसको देखो, इसकी लेवल जो इसके लिए जो ईजी पोर्सन हो जाता है, वो ईजी पोर्सन हो जाता है ऊपर साइड गैप अप करे या ऊपर साइड जाए और R1 के ऊपर टिके, तब जाके ये हमें एक रैली दे सकता है. वाई डेटा मैंने देख लिया, आज स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार देख लेना. हमारी जो कल की रेंज बनती है ना बैंक निफ्टी की, वो रेंज यहीं से बनती है, 29,000 से अप टू टॉप, 29,600 नहीं 500 तक, या बीच में मिडिल तक 29,500 तक. तो कल की आपकी जो टेस्टिंग जो ट्रेड बन जाती है, पहले हमेशा नीचे से चालू करते थे, कल के लिए हम पहली बार ऊपर से चालू कर रहे हैं. तो कल अगर बैंक निफ्टी 29,285 ले लो, 29,290 के ऊपर गैप अप करता है तो आप सेल मत करना कल. ठीक है, आप वेट करना R1 तक. ठीक है, एक बाइंग आप ले सकते हो, छोटा वाला एकदम बाइंग R1 तक अगर आपको लेना है. बट अगर ये 3945 के ऊपर कल टिक जाता है आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट्स, ऊपर खुल के ऊपर चल जाता है, देन डू नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू कम डाउन. ये हमारी जनरल थ्योरी रहती है, वी विल लुक एट मार्केट टू गो अप टू 29,500. ठीक है, कल. और 70% चांसेस मेरे को लग रहा है, ऐसे परसेंटेज में बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा एक व्यू जो
थोड़ा सा बायस हो जाता है, वो कल इसी के लिए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद इसको एक बुलिश करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को, अगर कल क्या है, कल एक ट्रेंड चेंजिंग डे हमें मिल जाएगा, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा वो कल हमें पता चल जाएगा, है ना, रीजनेबली। मतलब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स अराउंड अप और डाउन, और निफ्टी अराउंड 500 अप एंड डाउन, कल हमें पता चल जाएगा ये किस साइड जाएगा। तो कल, टुमारो इज़ ए ट्रेंड चेंजिंग डे डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजिंग, कल क्लोजिंग डे की कहाँ पे होती है उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि एक्सपायरी कैसी होगी, ठीक है। तो कल हमारा ये सिनारियो वन यही है, कल आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, वेट करना है। मोस्ट वाली ये ऊपर जाके थोड़ा टिक सकता है, तो आपको 500-550 तक की टारगेट आपको देखनी है। सिनारियो टू जो हमारी हो जाती है वो बहुत कम लग रहा है मेरे को कि नीचे आके यहाँ 28,750 अराउंड 400 पॉइंट्स गैप डाउन करके टिके, मुझे कमज़ोर लग रहा है। बट नेवर नो, मार्केट है अभी इवेंट बेस्ड मार्केट चल रहा है, मैं भी कल जैसे बोल रहा था, तो ग्लोबल मार्केट की एक क्लोजिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इवेंट बेस्ड मार्केट में। न्यूज़ बेस, सॉरी एक सेकेंड, वट आई मीन ए कॉल, एक सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये गैप डाउन का सिनेरियो मुझे इतना लगता नहीं है कल, शायद एक सिनेरियो ये हो सकती है, अगर कल इसको बेयरिशनेस कंटिन्यू करनी है तो ये R1 से शायद प्राइस रिजेक्शन दे दे, अगर प्राइस रिजेक्शन दिखेगा तो इसको लाइव में करेंगे। कल के लिए मैं कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं बोलूँगा कि आप R1 से रिजेक्ट करो, बट इसको अगर बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है वेडनेसडे को तो ये R1 से डेफिनेटली रिजेक्ट करके नीचे आएगा, ठीक है, 29,000 तक आना चाहिए। बट क्योंकि हमारी रेंज कल की वही है, 29,000 से 29,500 की रेंज है, ये रेंज में इसको, बट कल अगर ये 29,000 के नीचे क्लोजिंग देता है देन थर्सडे को हम इसको बियरिश ही मानेंगे, और बैंक निफ्टी अगर 29,500 के ऊपर कल डे की क्लोजिंग देता है तो हम इसकी एक बुलिशनेस देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो सिनारियो टू थोड़ा कमज़ोर है, बट मोस्टली जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और गिरना चालू किया और गिरना चालू किया, मतलब एक्सट्रीमली बेयरिश मोड में आ गया। एक्सट्रीमली बेयरिश मोड में ये कब आएगा कि ओपन जहाँ से हो रहा है आधे घंटे तक ये नीचे गिरना चालू करे, तो उस केस में ना ऊपर का फिर आप सिग्नल मत देखना उस केस में, ठीक है। ये हमारा एक एडिशनल सिनारियो है जो हमारा चार सिनारियो में आता नहीं है। ये अगर कहीं पे भी ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ही थोड़ा ओपन हो जाए, बट पहला 30 मिनट ये कैंडल रेड 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 ही बनाता जा रहा है, तो उस केस में ना आपको ज़्यादा पॉजिटिव रहने की मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फर्स्ट 30 मिनट आपका कोई मूवमेंट दिखता नहीं है, मतलब इट कैन कंसोलिडेट टुमारो ऑल्सो, राइट, कंसोलिडेशन फेज कैन गो अप टू 2-3 डेज टू। सो अगर कंसोलिडेशन ये कल भी करता है, आपको 40 मिनट तक कोई मूवमेंट ज़्यादा दिखता नहीं है, तो आप जनरली कल स्ट्रांगल करो, स्ट्रांगल में अच्छा पैसा आप कमाओगे 12 बजे तक, ठीक है, 12-12:30 बजे तक, ठीक है। ऊपर के सिनारियो हो गए, बीच वाले सिनारियो हो गए, एडिशनल सिनारियो मैंने दे दिया, नीचे का सिनारियो मेरे को कमज़ोर लग रहा है इसलिए मैंने एडिशनल सिनारियो दिया कि उस केस में ये बियरिस हो सकता है, क्योंकि इतना गैप डाउन करके टिकना मुझे कल पॉसिबल लग नहीं रहा है, जबकि मेरी थोड़ी बायसिंग यहीं पे हो जाती है। ये डिपेंडिंग अपन द ओपनिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, अपना सिनारियो है ना, ओपन कहाँ होता है, तो बट ये कल अगर यहाँ ओपन हो गया इसके ऊपर और ऊपर चढ़ने लगा, देन 29,500 इज़ द टारगेट आई वुड लुक एट। निफ्टी के लिए भी सेम है, निफ्टी के लिए हम लोग जो देखेंगे है इसकी वाइट CPR, और वाइट CPR अगर है तो ये बेसिकली एक 45 मिनट्स के बाद एक डायरेक्शनल मूव कर लिए दे सकता है। तो R1 पे अगर आपको प्राइस रिजेक्शन मिलता है तो आप लेना, डेफिनेटली बेयरिश मोड में ये नीचे आएगा यहाँ पिवट तक। हमारी कल की जो रेंज हो जाती है बैंक निफ्टी की वो 11,220 ले लो, ये पिवट नहीं, ये थोड़ा नीचे 220 के आसपास, यहाँ S1 और इसके नीचे 220 से लेके हमारी जो रेंज बन जाती है वो कल 420, 200 पॉइंट का रेंज में कल दे रहा हूँ निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड मूव कर रहा है। बट इसको अगर कल बियरिश होना है तो इसको 200 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, अभी 303 में है रेट, 100 पॉइंट नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा। और अगर इसको बुलिश ट्रेंड कल कंटिन्यू, आज मैं बोला कि
टुमोरो इज ए ट्रेंड चेंजिंग डे, राइट। अगर निफ्टी 400 के ऊपर, ये मैं 2 दिन पहले भी बोला था, फ्राइडे को भी बोला था, 11,400 इज ए वेरी स्ट्रांग लेवल फॉर निफ्टी टू क्रॉस। बट अगर ये क्रॉस करके कल क्लोज कर देता है, जो पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसे 411 ये मिडिल में 411 420 430 के आसपास क्लोजिंग डे क्लोजिंग कर देता है, तो हमें थर्सडे एक्सपायरी डे में एक एक्सपायरी व्यू मिलेगा। बट फ्राइडे मेरे ख्याल से ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे सेल्स की आपको रिकमेंडेशन करूँगा नहीं, अगर प्राइस एक्शन हमको पॉजिटिवनेस दे रहा है, प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे रेट दे रहा है, मतलब अच्छा खासा रेट देना चाहिए, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, रादर आई विल सेल व्हेन इट क्रॉसेस हियर, दैट मीन्स 11,343 के नीचे अगर आता है तो मेरी ये कॉन्फिडेंट सेल बेयरिशनेस की बनती है अप टू 200 पॉइंट्स तक, ठीक है। तो ये निफ्टी की है। बाकी बैंक निफ्टी में जैसे बोला, अगर निफ्टी यहाँ पे कल भी कंसोलिडेट करता है, कर भी सकता है कंसोलिडेशन, क्योंकि कल का व्यू कुछ स्ट्रांग नहीं है, बीआरएस भी जा सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, बुलिश का ट्रेंड सिग्नल हमको दे सकता है, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन बेस पे ही सारे कॉल लेंगे। एक सिनेरियो जो मैंने ऊपर का आपको दे दिया, यहाँ पे सेलिंग हमारी यहाँ से बनती है, अगर ऊपर गया नीचे आया तो यहीं से बनती है, या फिर साइड सिनेरियो जो मैंने दिया था, ओपन कहीं पे भी हो, पहला 30 मिनट्स रेड कैंडल इसको बनाना चाहिए कंटिन्यूअसली, तब जाके आप बियरिश मोड में रहना, अदरवाइज बियरिश मोड में कल पूरा मत रहना। और बाकी मुझे नहीं लगता ये कल गैप डाउन होके यहाँ पे टिकेगा, बट बाई चांस अगर हो जाता है, भरोसा नहीं मार्केट का, अगर हो जाता है तो कल भी आप बियरिश ही रहना मार्केट में, ठीक है। दैट मीन्स 150 पॉइंट्स गैप डाउन करना चाहिए निफ्टी को, विच इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। आज ग्लोबल मार्केट देखेंगे उसके हिसाब, ग्लोबल मार्केट आज जो क्लोजिंग देगा, थोड़ी सी बायसनेस कल मार्केट में उसकी रहेगी, आज जैसे थी, ठीक है ना। जैसे आज हमारी व्यू के हिसाब से हमने मार्केट यहाँ पे गिराया था, बट ग्लोबल मार्केट ऊपर था तो इन्होंने फिर यहाँ पे रिकवरी करी है अच्छी खासी, है ना, ठीक है। तो उसका थोड़ा इफेक्ट रहेगा, बाकी हमारे तो लेवल के बेसिस पे ट्रेड होते हैं, तो लेवल पे आप ट्रेड करो, लेवल मैंने दे दिया है। आपकी बुकिंग इधर होनी चाहिए 420 के आसपास मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में, सिनारियो वन में, सिनारियो टू में सेलिंग हमारी यहीं पे होती है, बैंक निफ्टी की सेम लेवल आप देख लेना, ठीक है, बियरिश मोड में। सिनारियो थ्री बियरिश, बुलिश का सिर्फ एक ही मोड है कल, इसके ऊपर गैप अप करके या फिर प्राइस एक्शन में ऊपर जाना चाहिए और इसके ऊपर टिकना चाहिए, दैट इज़ द ओनली सिनारियो फॉर बुलिशनेस, बाकी यहाँ से अपनी सेलिंग बनती है। और साइड सिनारियो में 3 10 मिनट कैंडल अगर रेड आपको देते हैं तो भी मेरी बेरिश की सिग्नल बनती है, और ये गैप डाउन अगर हो जाता है नीचे पिंक लेवल के नीचे तो भी मेरी बेरिश की सिग्नल बनती है। बैंक निफ्टी के लिए 754, सिनारियो 3 के लिए और निफ्टी के लिए 11,150, ठीक है, सिनेरियोस क्लियर हो गए। बाकी डेटा मैंने देख लिया, उसके हिसाब से ही मैंने आपको कल का रेंज दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। अब सिनेरियो के हिसाब से काम करो लेवल पे, आज जैसे एक ट्रेड, एक या दो ट्रेड भी बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ है ना, 300-400 पॉइंट कम नहीं होते अगर कॉन्फिडेंटली आपको मिल जाते, तो उसके हिसाब से आप लो। बाकी और कुछ कमेंट वगैरह है तो आप मेरे को बोल सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। बाकी जय माता दी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। मेरी दूसरे वीडियोस में ट्रैवलिंग की वजह से नहीं ले पा के ला पा रहा हूँ, बट मैं लर्निंग वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।